पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मैं डॉक्टर शिपाली सिंह चौहान, जो अध्यक्ष जिला पंचायत मुरादाबाद निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अशून्य रखूंगी तथा अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। प्रदेश के पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पंचायतें केवल सरकारी अनुदान के भरोसे न रहें, खुद की आय बढ़ाने के लिए बायलॉज के अनुसार काम करें। पंचायतों में भाजपा की प्रचंड जीत विकास कार्यों पर जनता की मोहर है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की संकल्पना को लेकर साकार करने की हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। वो कंपनी बाग स्थित पंचायत सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के न आने पर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले की सरकार ने आज कार्यभार संभाला है। लोकतंत्र में जनहित में काम करना सभी का कर्तव्य है। पंचायतों की छवि बदलने का आह्वान करते हुए कहा कि महानगर को प्रदेश की सर्वोत्तम जिला पंचायत बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। आज पूरे प्रदेश भर में सभी निर्वाचित जिला पंचायत के माननीय अध्यक्षों का सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह संपादित किया गया। जनता ने, प्रदेश की जनता ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया, हम सब मिलकर जनता की अपेक्षा के अनुसार उस काम को पूरा करेंगे। और जो काम हम लोगों ने किए हैं, कामों के अलावा जो काम शेष बचे हैं, उन सब कामों को भी ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैफाली सिंह ने कहा कि ये उनकी जिंदगी का यादगार और अभूतपूर्व दिन है। ग्रामीण बच्चियों की शिक्षा बड़ी जिम्मेदारी के रूप में उनके सामने है। मुरादाबाद को पूर्ण साक्षर बनाने के साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सेवा भी उनकी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि वो निर्विरोध अध्यक्ष बनी हैं, लेकिन बिना किसी भेदभाव के 39 वार्डों में विकास कार्य कराएंगी। सड़कों का निर्माण, खास तौर से जो विद्यालयों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, मंडियों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, उनके निर्माण पे जोर दिया जाएगा ताकि शिक्षा और रोजगार दोनों में ही कोई कमी न रहे। साथ ही साथ PHC और CHC जो जिले में पड़ रही हैं, उन सभी का दौरा किया जाएगा। उन सभी की तरफ जो सड़कें हैं, उनके निर्माण पर जोर दिया जाएगा ताकि कोविड जैसी महामारी से हम अभी निकल के आए, लेकिन तीसरी लहर आने वाली है, उसके लिए कमर कस के मुकाबला किया जाए। मैंने शुरू से ये बात कही थी, नामांकन वाले दिन भी कही थी कि मेरे पास सभी का समर्थन है। अमरीन जी का समर्थन भी मेरे पास था, मेरे पास 39 के 39 मेंबरों का समर्थन है, और निर्विरोध का मतलब यही है। मैं सभी के समर्थन के लिए सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, अपने सदस्यों को, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि सारे सदस्य और मैं, हम सब मिलकर जिले को एक नए आयाम पे पहुँचाएं। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष विशेष गुप्ता ने कहा कि जिला पंचायत में भी अब विकास की गंगा बहेगी। जिला पंचायत बोर्ड की पहली बैठक सोमवार को खुशनुमा और हल्के फुल्के माहौल में संपन्न हुई। परिचयात्मक बैठक में सदस्यों से करीबी रिश्ता जोड़कर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शैफाली ने सदस्यों का दिल जीत लिया। इस दौरान सदस्यों ने भी उनके उच्च शिक्षित और प्रख्यात चिकित्सक होने को खुद के गौरव से जोड़ा। किसी ने गजल सुनाई तो किसी ने अध्यक्ष के करीबी होने का एहसास कराया। अध्यक्ष ने स्वयं को सभी के दिल के करीब लाने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने किसी को ताई, किसी को भाई तो किसी को प्रिय देवर बताकर उनसे भावनात्मक लगाव बनाते हुए पूर्ण सहयोग का वचन दिया। पथ में इतनी बड़ी सहभागिता मैंने कभी आज तक किसी जिला पंचायत अध्यक्ष की नहीं देखी। ये आपकी स्वीकारोक्ति है, पूरे जनपद की स्वीकारोक्ति है, पूरे जनपद ने आपको स्वीकार किया है। मुझे उम्मीद है कि शहर से लेकर गांव तक विकास की गंगा हमारी भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से बह रही है, जिला पंचायत मुरादाबाद भी उसी प्रकार से उस विकास के लिए बिना किसी पक्षकार हुए वहां तक पहुंचेगी। और मुझे उम्मीद है कि प्राथमिकताओं के आधार पर, क्योंकि विकास प्राथमिकताओं के आधार पर हो तो बहुत अच्छा है। हमें
अपने जिला पंचायत में कुछ ना कुछ प्राथमिकताएं आपको बनानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ कोर कमेटी जरूर हो जिसमें अनुभवी सभी व्यक्ति विशेषज्ञ हो जो इस बात को तय करें कि आखिरकार विकास की आवश्यकता कहां है। कि ये जिला पंचायत का भविष्य मुझे दिखाई दे रहा है कि निर्विवाद ये छोटा सा हाउस मिनी असेंबली बहुत शांतिपूर्वक मैं समझता हूं अपना कार्यकाल पूरा करेगी, क्योंकि जो अध्यक्ष जी बनी है बिल्कुल निर्विवाद है और निर्विरोध बनी है। ये भी उत्तर प्रदेश में ये माननीय मंत्री जी जो हमारे पंचायत राज मंत्री जी हैं उनके बहुत बड़े सहयोग से आपको ये पद निर्विरोध मिला है, ये उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बात है। जिला पंचायत अध्यक्ष से कहना चाहता हूं कि उनका निर्वाचन अनुपोज हुआ बहुत बड़ी बात है मुरादाबाद के लिए कि मुरादाबाद में अनुपोज आप जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, 39 में से 35 सदस्यों ने आपको समर्थन किया, ये बहुत बड़ी बात है पूरे उत्तर प्रदेश में इसका मैसेज है और सबसे पहले मुरादाबाद का नाम ही मीडिया में हाईलाइट हुआ और आपको शुभकामनाएं दी गई। तो मेरा निवेदन है कि जितने सदस्यों ने आपको सपोर्ट किया, 35 लोगों ने सपोर्ट किया, सबके क्षेत्र में विकास कार्य समानता के साथ हो, ये मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा। और एक निवेदन मैं अपनी विधानसभा के लिए भी करना चाहूंगा कि मेरी विधानसभा में भी दो गांव आते हैं, भोला सिंह की मिलत और मोरा, उसका भी विशेष ध्यान आप रखें, ये मैं इस प्रांगण में आपसे निवेदन करना चाहता हूं।